डे टू ऑफ ब्रिक्स समिट और फाइनली मोदी जी और शी जिनपिंग की 5 साल बाद बायलैटरल मीटिंग यहां पर होती है और मीटिंग ऐसी कि मोदी जी अगले 5 साल तक इस मीटिंग को भूल नहीं पाएंगे। मोदी जी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, झप्पी मारने के मंसूबे थे लेकिन मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया शी जिनपिंग ने। गजब बेइज्जती है। खैर इसके बारे में डिटेल में आगे चल के बात करेंगे लेकिन सबसे पहले कल का आपको रिकैप दिखाना चाहता हूं, मेन हाईलाइट मोदी जी की वो मीटिंग पुतिन के साथ जहां पर मोदी जी ने ऑस्कर विनिंग ओवर एक्टिंग करी थी। यस, पुतिन जो है रशियन में अपनी बातें बोल रहे थे और मोदी जी ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, रोज सुबह लोगों को गुड मॉर्निंग रशियन में ही तो लिख के भेजता हूं मैं। इसी के साथ कल की सबसे बड़ी फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि गोदी मीडिया इस ब्रिक्स समिट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो है जहां पर ब्रिक्स समिट के सारे लीडर्स आपको खड़े हुए नजर आएंगे एंड मोदी जी सेंटर में नहीं खड़े हुए हैं, मोदी जी का डंका यहां पर नहीं बज रहा है कोई भी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बताओ यार, मोदी जी सेंटर में नहीं खड़े, सारे वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी का पीछा नहीं कर रहे, उनके पीछे नहीं दौड़ रहे, आखिरकार गोदी मीडिया क्यों बात करेगा इसके बारे में? कैसे बजेगा मोदी जी का इंटरनेशनल डंका गोदी मीडिया के स्टूडियोज में? एंड अब आपको दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो जिसकी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। शी जिनपिंग ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया। देखो यार, मैं यहाँ पर शी जिनपिंग की कोई तारीफें नहीं कर रहा हूँ या फिर शी जिनपिंग ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है, जो शी जिनपिंग ने किया है वो एक तरीके से इंडिया को डिसरिस्पेक्ट करना है। लेकिन मोदी जी, आपको क्या पड़ी थी इस आदमी से हाथ मिलाने की यार, मतलब इतने ईगर क्यों हो जा रहे थे? अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट है। मोदी जी ऐसे करके हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, झप्पी मारने का एक मनसूबा है लेकिन पूरी तरीके से पानी फिर जाता है। मोदी जी ने खुद कुछ सालों पहले चाइनीज एप्स को बैन किया था, चाइना को वॉलेट से बॉयकॉट करने की बातें करी थी, लेकिन आज वही मोदी जी शी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए इतने ईगर हो रहे हैं जैसे कि सामने पता नहीं शी जिनपिंग ना खड़ा हो, कोई साक्षात भगवान राम आके खड़े हो गए हो। वैसे रिसेंटली हमने सुना है कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रूस हो चुका है और एक अग्रीमेंट हो चुका है कि भैया आप दोनों नहीं लड़ाई करने वाले एंड इसके बाद मोदी जी काफी मेल मिलाप भी बढ़ा रहे। लेकिन इसके बीच में आपको एक न्यूज ये भी बताना चाहता हूं कि रिसेंटली अडानी ने अपने ऑपरेशंस को चाइना में भी एक्सपैंड करने का काम किया है एंड इसका कोई रिलेशन है या नहीं आपको क्या लगता है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब जहां पर मोदी जी हाथ मिलाने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मोदी जी कैसे लाल आग दिखाना चाहते थे चाइना को, जरा सुनो एक बार। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आग कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अब देखो यार, बॉय बॉय मोमेंट तो यहाँ पर मोदी जी का डेफिनेटली हुआ है लेकिन शी जिनपिंग, जरा इसकी तारीफें करना चाहता हूँ थोड़ी सी। अच्छा हुआ मोदी जी आपने इस आदमी से हाथ नहीं मिलाया, कहीं ऐसा ना होता कि इससे हाथ मिलाने के बाद इंडिया में एक और वेव आ जाती। बात तो सही है, शी जिनपिंग को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, सब लोग उससे हाथ मिलाने के उससे पीछे भाग रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इन लोगों को हाथ मिलाने के बाद लोग हैंड सैनिटाइज किया करते थे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ शी जिनपिंग के साथ जब बायलैटरल मीटिंग हुई तो क्या बातचीत करी है यहाँ पर मोदी जी ने, जरा सुनो एक बार, लाल आंख दिखा दूंगा। एक्सीलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। वाह मोदी जी, बहुत अच्छा भाषण दिया, क्या बातें बोली। आई जस्ट होप कि गलवान में जो शहीद हुए थे उनके परिवारों ने बातें ना सुनी हो, उनके दिल पर क्या बीती होगी ऐसी ये बातें सुन के। हिज एक्सीलेंसी बोला जा रहा है शी जिनपिंग के लिए, वो आदमी जिसकी वजह से हमारे देश के सोल्जर्स शहीद हो गए गलवान में, उसको हिज एक्सीलेंसी बोला जा रहा है। लाल आंख प्रो मैक्स। China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective. आपने शायद एक चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, छोटी सी वीडियो मैंने आपको इसलिए सुनाई जैसे आपको समझ में आए। मोदी जी ने यहाँ पर शुरुआत करी हिज एक्सीलेंसी के साथ, लेकिन क्या शी जिनपिंग ने शुरुआत करी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली अपनी बात बोलनी शुरू कर दी। ऐसे बजेगा इंटरनेशनल डंका। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी के पीछे भागे चले जा रहे हैं, मोदी जी का पीछा कर रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो।
फोटोज खींचने के तुरंत बाद एकदम से सारे लीडर्स जो हैं आगे वॉक करना शुरू कर देते हैं और मोदी जी बेचारे पीछे यहां पर रह जाते हैं। इनफैक्ट आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, जब इन्होंने मूव करना शुरू किया तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग के साथ मूव करना पहले शुरू कर देते हैं। पुतिन मोदी जी की वेट नहीं करते, पुतिन मोदी जी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, शी जिनपिंग के साथ आगे चल रहे हैं। अब देखो इस तरीके की फोटोज और वीडियोस आती रहती है, कभी मोदी जी के साथ कोई लीडर चलता है, कभी किसी और के साथ कोई लीडर चलता है, लेकिन प्रॉब्लम तब बन के खड़ी होती है जब मोदी जी के साथ वर्ल्ड लीडर्स चलते हैं और हमारे देश का मीडिया ये कहना शुरू कर देता है कि मोदी जी के पीछे सारे लीडर्स चल रहे हैं, मोदी जी सारे लीडर्स को लीड करने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको इस वीडियो के एंड का पार्ट दिखाना चाहता हूं, मोदी जी मोहम्मद बिन जायद शेख अल नहन के साथ किस तरीके से मूव करते हैं, जरा देखो एक बार। मतलब पुतिन ने मोदी जी की वेट नहीं करी, इसका मतलब मोदी जी किसी और की कमर में हाथ डालेंगे, क्या चल रहा है यहाँ पे यार। खैर इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूँ मोहम्मद बिन जायद के साथ मीटिंग भी हुई मोदी जी की, एंड आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी कुछ फोटोज मोदी जी ने खुद भी शेयर करी हैं। ग्लैड टू हैव मेट माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहन प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। अब इस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा है मोदी जी काफी बातचीत कर रहे हैं, काफी इंटेंस यहाँ पर टॉक्स चल रही है। पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, कपड़ों से पहचानने की बातें तो नहीं कर रहे मोदी जी आप उनसे, या कहीं बटेंगे तो कटेंगे वाली स्कीम तो डिस्कस नहीं कर रहे आप उनसे? मतलब किस लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है। इंडिया में इलेक्शंस में मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान आपका गोल्ड ले लेंगे और उसके बाद बाहर जाकर मोदी जी मोहम्मद बिन जायद अल नहन के साथ बातें कर रहे हैं, हंसी ठट्टे कर रहे हैं, उनकी कमर में हाथ डाल के घूम रहे हैं। मतलब क्या बकवास चल रही है यहाँ पे। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी ने यहाँ पर यूपीआई के बारे में भी बातचीत करी है, ग्लोबल करेंसीज के बारे में बात करी है, एंड बातचीत करते करते बीच में टेलीप्रॉम्प्टर भी खराब हुआ है, आपको जरा सुनवाना चाहते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़। पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं लेकिन फिर भी पेमेंट को पेसमेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पर मोदी जी। ग्रेट ओरेटर ऑफ दिस सेंचुरी, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स, पता नहीं क्या क्या है मोदी जी। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लाइफ, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन रेजिलिएंट को रिलीजन बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो यार कोई। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोएलिशन फॉर अब्बा डब्बा जब्बा, कुछ भी बोल देता हूँ। एंड इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का ब्रिक्स समिट का ये दौरा जो है फाइनली खत्म हो चुका है और मोदी जी इंडिया भी इसके साथ वापस आ चुके हैं। एंड एज यूजुअल इंडिया में मोदी जी को लेने के लिए इस बार भी नड्डा जी नहीं पहुंचे, आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक बंदा मोदी जी को लेने के लिए आया। ऐसा लग रहा है अगली ट्रिप पे ये बंदा भी लेने के लिए नहीं आएगा, मोदी जी का सिर्फ ड्राइवर और उनके सिक्योरिटी वाले ही नजर आएंगे यहाँ पे। अब मेरा काम था ये सब आपको दिखाना, अब इसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि क्या ब्रिक्स समिट में मोदी जी का डंका बज रहा है या फिर नहीं बज रहा। वैसे मोदी जी का तो पता नहीं लेकिन जय शाह का डंका यहाँ पर बज रहा है। एक न्यूज जाते जाते ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आईसीसी चेयरमैन का कार्यकाल अब 2 साल की जगह 3 साल का होगा और आने वाले कुछ ही दिनों में जय शाह जो है आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, ये भागदौड़ संभालने वाले हैं। एंड इसके बाद 2 साल की जगह 3 साल का इनका टेन्योर हो जाएगा। तालियां हो जाए भैया, असली डंका तो इसका बज रहा है, सीखो मोदी जी यहां से कुछ सीखो। वैसे इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है, साथ में मोदी जी के ब्रिक्स डंके के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो किस बात की वेट कर रहे हो, गोदी मीडिया का इंटरनेशनल डंका बजाने की वेट कर रहे हो क्या, दबाओ जल्दी से यार।